हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे क्रिसमस के लिए स्पेशल फ्रूट केक। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रूट केक बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है 1 कप के करीब ऑरेंज जूस। तो ये घर का बना ऑरेंज जूस है, चाहे आप पैकेजिंग वाला ऑरेंज जूस भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑरेंज का जूस निकाल के 1 कप के करीब ऑरेंज जूस लिया है। अब हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऑरेंज जूस तैयार है, अब इसमें सभी ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सभी ड्राई फ्रूट्स को काट लिया है। तो एक एक करके हम यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने ऊपर डेकोरेट के लिए रखे हैं और बाकी इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे काजू, जिसे मैंने काट लिया है। आप ड्राई फ्रूट्स को अपने मनपसंद से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगभग 2-2 चम्मच के करीब ड्राई फ्रूट सेट किए हैं। अब इसमें डालेंगे चेरी, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। अगर आपको इसमें से कोई ड्राई फ्रूट पसंद ना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब थोड़े से ब्लैक ग्रेप्स ऐड करेंगे, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। अगर आपके ग्रेप्स बड़े हैं तो आप इसे बारीक काट के ले सकते हैं। थोड़े से वॉलनट्स ऐड करेंगे और इसी के साथ ही थोड़े से बादाम भी ऐड कर लेंगे। थोड़े से किशमिश भी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे किशमिश को थोड़ा कम ऐड किया है। अब यहाँ पे मिक्स टूटी फूटी लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूँगी ग्रीन कलर का टूटी फूटी। अब हम इसमें डालेंगे येलो कलर के और ग्रीन और रेड कलर के टूटी फूटी। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसे 2-3 घंटे के लिए रख देंगे ताकि हमने जितने भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड किए हैं ये ऑरेंज जूस को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके और इसका फ्लेवर केक में अच्छा आएगा। तो इसे 1-2 घंटे के लिए रख लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें कैरेमल शुगर सिरप बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप के करीब लिया है शुगर। अब इसे हाई फ्लेम में इसे इस तरह से चलाएंगे ताकि शुगर कैरेमल हो सके। अगर आप इसे लो मीडियम में करेंगे तो ये चाशनी बन जाएगी, इसलिए हमें इसे हाई फ्लेम में पका लेना है जिससे कि ये कैरेमल होना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं शुगर थोड़ा मेल्ट होने लगा है। हमें इसे इस तरह से लगातार चलाते रहना है वरना ये ज़्यादा जल जाएगा। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे होंगे कि शुगर कैरेमल होना स्टार्ट हो चुका है। अभी हमें इसे लगातार चलाते रहना है जब तक कि शुगर अच्छा ब्राउन कलर ना आ जाए। इस स्टेज में शुगर में अच्छा सा ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इससे पहले हम गैस को ऑफ कर देंगे ताकि पानी के छींटे ऊपर ना आए। तो इसके लिए सबसे पहले हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसमें हम 1/2 कप पानी लेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। आप देख रहे हैं जैसे हम पानी ऐड कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ रहा है। तो आप इसे केयरफुली गैस को ऑफ कर लेंगे, फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने यहाँ पे शुगर सिरप में वाटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे और इसे थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। हमें इसे पतला नहीं रखना है, हमें इसे 1-2 मिनट के लिए पका लेना है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो शुगर कैरेमल तैयार किया है इसे इसी स्टेज में बंद कर देंगे क्योंकि ये ठंडा होते हुए ही थोड़ा सा थिक हो जाएगा। अब हम केक के लिए बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप दूध लिया है। इसी के साथ ही मैं यहाँ पे 1/2 कप ऑयल भी लूँगी।
अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब वनीला एसेंस। अभी इन सभी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे हमने जिसे सोक करके रखा था ऑरेंज और ड्राई फ्रूट्स को, उस मिक्सचर को इसमें ऐड करेंगे। हमने इसे अच्छे से सोक करके रखा था तो ये थोड़े से फूल भी गए हैं और ऑरेंज जूस को अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर चुके हैं। हमें यहाँ पे ऑरेंज जूस और ड्राई फ्रूट सभी को एक साथ मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिठास के लिए शुगर, तो यहाँ पे 1/2 कप के करीब शुगर लिया है। आप चाहे तो शुगर की मात्रा को कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब एक स्ट्रेनर में हम लेंगे 1 कप मैदा प्लस 1/2 कप और मैदा लेंगे, लगभग यहाँ पे 1.5 कप के करीब मैदा ले लेंगे और इसे छान लेंगे। इसी के साथ ही मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर ऐड करूँगी, तो 3 से 4 स्पून यहाँ पे मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। केक में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, अगर आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐड करेंगे इलायची और जायफल का पाउडर और इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से छान लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे छान लिया है। अब हम यहाँ पे शुगर कैरेमल को भी ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हैं शुगर कैरेमल ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है और ये 1/2 कप के करीब है। और इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पे कोकोआ पाउडर की यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि शुगर कैरेमल से केक में अच्छा सा कलर आएगा। आप देख सकते हैं केक में कितना अच्छा सा कलर आ गया है। अगर आपको बैटर थोड़ा सा पतला लगे तो आप 1 से 2 स्पून इसमें मैदा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। मुझे बैटर थोड़ा सा पतला लग रहा था इसलिए मैंने 1 से 2 चम्मच मैदा ऐड किया है। अब एक ट्रे लेंगे, इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। जब सभी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं अब हम इसमें मिलाएंगे 1/2 स्पून बेकिंग पाउडर और इसी के साथ ही हम ऐड करेंगे 1/2 स्पून के करीब बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 स्पून विनेगर जो कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को अच्छे से एक्टिवेट करेगा। अभी हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम अभी सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार और मिक्स करने के बाद इसे तुरंत ही हमें ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप चाहे तो ट्रे में बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ट्रे को अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके इसे मैदे से डस्टिंग कर लिया है। हमने यहाँ पे ट्रे भी तैयार करके रखा है। अभी तैयार बैटर को हम ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बैटर को ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेने के बाद इसे 1 से 2 बार अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि कोई एयर बबल ना रहे। हमने कढ़ाई भी गरम करके रखा है, आप चाहते इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं। मैंने बेक करने के लिए यहाँ पे कढ़ाई का यूज़ किया है। कढ़ाई यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम केक के ऊपर ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और इसे मैदे से अच्छे से मिक्स कर लिया था जिससे कि केक जब फूले तो यह अंदर की तरफ ना जाए। आप इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं, इससे ड्राई फ्रूट्स आपके केक के अंदर नहीं जाएंगे और चारों तरफ इसे इस तरह से सजा देंगे जिससे कि केक बहुत दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। मैंने यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, काजू, किशमिश, चेरी और थोड़े से टूटी फूटी सभी को ऊपर से अच्छे से सजा लिया है जिससे कि केक दिखने में बहुत ही अच्छा दिखे। केक को ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर लेने के बाद इसे 50 मिनट के लिए बेक करने के लिए छोड़ेंगे। मैंने यहाँ पे 40 मिनट के बाद थोड़ा सा चेक कर लिया था।
40 मिनट बाद मैंने इसे चेक किया है, तो एक बार इसे चेक कर लेते हैं कि अंदर से पका है कि नहीं। इसके लिए एक बार टूथपिक डाल लेंगे। आप देख सकते हैं अंदर से अच्छे से पका नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसे मैं फिर से 10 से 15 मिनट के लिए और धीमी आंच में इसे बेक करने के लिए छोड़ दूंगी, जिससे कि केक अंदर से अच्छे से पक सके। मैंने इसे और 15 मिनट बेक करने के बाद इसे निकाल लिया है और अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से ठंडा हो सके। फ्रेंड्स, ठंडा होने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हमें चाकू से इस तरह से मार्क कर लेंगे, ताकि ये बहुत ही इजीली से निकल सके। हमने इसमें बटर पेपर का यूज़ नहीं किया था, इसलिए हमें चाकू से इस तरह से एक बार इस तरह से कट लगा लेंगे, ताकि ये बहुत ही इजीली से निकल जाए। आप देख सकते हैं केक अच्छे से बेक हुआ है और बहुत ही इजीली से ये निकल भी चुका है। अभी मैं आपको इसे अंदर से काट के भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितना सॉफ्ट बना है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि आप केक की जाली कितनी परफेक्ट बनी है और अंदर से भी ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्रिसमस स्पेशल ये ड्राई फ्रूट्स केक की रेसिपी अच्छी लगी है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।